जो जीत मिली है वो मेरी नहीं है, वो आप सबकी जीत है। बस अब मोदी जी की सरकार फिर आई है, अब्दुल राम जी को फिर एक बार कैबिनेट में बहुत बड़ा पद मिलेगा। परिवार के सदस्य मेंबर है उनको सीधा डायरेक्ट फायदा नहीं मिलते, चोर ये खा रहे वही। तो हम उनसे अनुरोध करेंगे विकास। और कल रात को टेंट आ गया, मिठाई की व्यवस्था हो गई। और आज ही समाचार आया कि आपको कल दिल्ली आना है, तो 10:30 बजे वाली ट्रेन से मैं दिल्ली भी रवाना होने वाला हूँ। अच्छी जीत हुई है, आज जीत आप लोगों ने है। बीकानेर से बीकानेर 4 जून का अर्जुन राम जी का पूर्व तीन बार हासिल कर। और जिको जीत वालो आंकड़े की बात करा हुआ तो पिछली बार अर्जुन राम जी 2064 रन करे करी तो जीत इसी हासिल कर, लेकिन इस बार थोड़ा सा आंकड़ा जिको कमजोर क्या नजर आया। जीत जीत ही होती है, तो 50,000 वोट से जीत बहुत सामना जीत होती है, आगे करते बढ़ते चलते रहते हैं, लेकिन निरंतर जीत का चौका मारा है। आप ये देखो एक गिलास पानी की बनी हुई है, आधी गिलास किसी बात की काली दिखती है, किसी बात की बड़ी दिखती है, हम आपकी बड़ी हुई चक रहे हैं, हमारी जीत है। पानी होना जरूरी है, जीत का चौका बड़ा लगातार बस अब मोदी जी की सरकार फिर आई है, अर्जुन राम जी को फिर एक बार कैबिनेट में बहुत बड़ा पद मिलेगा। और विकास की ओर अग्रसर होगा, जश्न मना रहे हैं मिलके सब। बाकी सीटा शाम तक रिजल्ट आना बाकी है, बाकी सीटा पर क्या कहना चाहो, तीसरी सीटा फाइनल होती नजर आ रही है की बाकी कोनी। मोदी सरकार तय है, सीटा 10-20 गठबंधन चाहती है, जीत मोदी जी की तय है, मोदी जी जीत है, ये अर्जुन राम जी पक्की जीत 4 बार हो गई, जिंदाबाद। न्याय मंत्री कानून मंत्री बना रहे अब क्या बनाना चाहते हैं, अब तो न्याय मिले भगवान की तरफ से, आने वाले समय में हमारे लोग के वित्त मंत्री का रूप देना चाहते हैं। वित्त मंत्री युवा भी है अपने सारे, युवा के कुछ कहना चाहे बारे में जानकारी युवा के कुछ सोच है राजनीति ने ले। देखो सोच तो ये है कि सही चुनाव सही चल रहे और सही जड़े जीत रहे, तो मतलब हम युवाओं के लिए ये सब बहुत सही चीज है कि हमें स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए, सबके लिए तो सही सरकार आनी चाहिए। तो मोदी सरकार बेस्ट सरकार है, अर्जुन राम जी को बताइए, पूरे बीकानेर के बच्चों और जनता को बताइए कि अर्जुन राम जी जीतेंगे और जीतते रहे हैं। ये पूरे बीकानेर की जीत है, हमारे बीकानेर की जीत है। मैं बोल रहा हूँ काम लेके आए मेरे को बीकानेर मैंने जीत रहे बड़े भी सिरे, लेकिन एक यार माजर मारे समझ में पूरे भाटी साहब अभी कॉमेडी ना कर ले मर जा गए, क्योंकि लोग तो जीते रहे बाद रहे मैंने बाद रहे ताम जाम कर रहे हैं तो पहले ही लगार छोड़ दियो। मेरा कॉन्फिडेंस देखो, हम पहले ही कहते थे हम जीतेंगे, भारत जीतेंगे, बीकानेर जीतेंगे, और कल रात को टेंट आ गया, मिठाई की व्यवस्था हो गई। ये कॉन्फिडेंस है बीकानेर की जनता का, यहाँ के कार्यकर्ताओं का, अर्जुन राम जी का 100% कॉन्फिडेंस है, चौथी बार चौका लगा के जीत का। जी अगर से बात करें तो आना शायद ही जीत पर पहला उसको पता हो तो ऐसी की व्यवस्था ही आप देख सको, चारों तरफ जी का टेंट और व्यवस्था है, कल से एडवांस व्यवस्था कर दी थी। एक है मतलब है कि अर्जुन लाल जी से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि भाई अब चौथी बार है वो मतलब है कि एमपी चुनाव में जीते हैं कंटिन्यू, तो अग्रिम बधाई मतलब शुभ हार्दिक शुभकामनाएं जीत की, लेकिन हमारे जो बेकवट इलाका है गाँव की बात करें तो वहाँ मतलब आप बजट पारित करवाते हो लेकिन पंचायत स्तर पे कोई काम नहीं होता है। अर्जुन लाल जी से कहना चाहेंगे हमारे गाँव की भी ध्यान रखें, पेयजल व्यवस्था चाहे टांके हो चाहे जॉब कार्ड हो या फिर अदर कोई भी एक्टिविटी, जो बजट गाँव के जो परिवार के सदस्य मेंबर है उनको सीधा डायरेक्ट फायदा नहीं मिलते, चोर ये खा रहे वही। तो हम उनसे अनुरोध करेंगे विकास जिंदाबाद। आज हमारे साथ
चूरू नागौर झुंझुनू सीकर बाड़मेर उन परिस्थितियों के बीच में बीकानेर की जनता ने मुझे चौथी बार जिता दिया, ये क्या कम बात है क्या? इसलिए मैं इस अवसर पर आप सबका, बीकानेर की जनता का और बीकानेर संसदीय क्षेत्र के सब मतदाताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बोले भारत माता की, भारत माता की। पार्टी में नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा तीसरी बार सरकार बना रही है और अर्जुन राम जी चौथी बार लगातार जीते हैं। अर्जुन राम जी का चौथी बार जीतना ये हमारे सब कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा है। प्रेरणा इसलिए कि चौथी बार जीते हैं, ये जीते इसलिए कि इन्होंने पिछले 15 साल में कोई जाति का और भेदभाव, कोई धर्म का भेदभाव न करके सबका साथ सबका विकास बात करके तो जनता ने इनको चौथी बार जिताया। और आप ये देखिए हम कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा है कि मंत्री जी अर्जुन राम जी का जो प्रयास रहा उस प्रयास के कारण जब कभी कांग्रेस का गाड़ी बीकानेर होता था उसमें लगातार 5 बार बीजेपी जीती, 4 बार अर्जुन राम जी जीते और 7 में से 6 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने जीती माननीय मंत्री जी अर्जुन राम जी का आशीर्वाद। और सबसे बड़ी प्रेरणा माननीय मंत्री जी की जो आप और कार्यकर्ता आगे लेकर जाएंगे अर्जुन राम जी की 4 बार विजय से, कभी काम के लिए ना नहीं करना, पार्टी के लिए ना नहीं करना। अभी रात को पार्टी बुलाती है तो 70 साल में भी 20 साल के युवा की तरह दौड़ते जाते हैं, चाहे केरला बुलाए चाहे बंगाल बुलाए, पार्टी के लिए हमेशा काम किया, पार्टी के लिए काम किया। अब ईश्वर की ताकत ने इनको लगातार 4 बार जिताया और हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत की जनता पार्टी में जो इनका कट बने उत्तर भारत नहीं पूरे भारत में बीजेपी के टॉप लीडरशिप में अर्जुन राम जी हमारे शामिल हो गए हैं इस बार और बहुत ऊंचे पद पर जाएंगे। और माननीय भजनलाल जी शर्मा जी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने बीकानेर में ऐतिहासिक विकास कार्य कराएंगे। जिस तरह 25,000 करोड़ के अमृतसर जामनगर रोड लेके आए, गाँव में सड़कों का जाल बिछाया, ट्रेनों का कार्य किया, उसमें और ज्यादा प्रगति करके बीकानेर का नाम रोशन करेंगे। जीत बहुत बड़ी है और आपका नारा छोटा, एक बार जोरदार नारा लगाइए, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जोश लग रहा है, आप सबकी मेहनत से, सभी कार्यकर्ताओं की दुआ से आज हमारे आदरणीय केंद्रीय कानून मंत्री और हमारे बीकानेर से लोग लाडले आदरणीय अर्जुन राम जी चौथी बार आप सबकी मेहनत से जीत करके आप सबके सामने खड़े हैं। चौथी बार हाईटेक की है इन्होंने और चौथी बार जीते हैं, इसलिए हम सब ने बहुत खुशी की। और ये अर्जुन राम जी का ही बड़पन है कि ये सबसे मिलनसार है, मिलके रहते हैं, इसलिए जनता में इनकी अलग छवि है और जनता ने और कार्यकर्ताओं ने लग के मेहनत की, उसी का परिणाम फल मिला है हमको। अब मैं भगवान से, हम सब कार्यकर्ता प्रार्थना करते हैं कि इनको कैबिनेट स्तर का मंत्री बना करके बड़े होदे पर भेजे ताकि हमारे बीकानेर क्षेत्र का चौमुखी विकास हो सके। भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया आज बीकानेर संसदीय क्षेत्र में, पार्टी ने मुझे 4 बार टिकट दी, आपने आशीर्वाद दिया, इसलिए बीकानेर संसदीय क्षेत्र से जो जीत मिली है वो मेरी नहीं है, वो आप सबकी जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है, जनता की जीत है और मतदाताओं की जीत क्या। और आज ही समाचार आया कि आपको कल दिल्ली आना है तो 10:30 बजे वाली ट्रेन से मैं दिल्ली भी रवाना होने वाला हूँ। ये हम सब लोग जो 1.5-2 महीने से प्रयास कर रहे थे उसका आज नतीजा आया है और हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल चौथी बार यहाँ पे यहाँ से प्रत्याशी जीते हैं लोकसभा के, बहुत ही खुशी की बात है। सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और केंद्रीय मंत्री जो अभी अर्जुन राम जी मेघवाल जैसे सत्य प्रकाश जी ने कहा ये कैबिनेट मंत्री बनकर के हमारे बीच में आएंगे, निश्चित रूप से आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सत्य प्रकाश जी ने जैसे कहा कि ये जो जीत है ये कार्यकर्ताओं की जीत है और जनता की जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कार्यकर्ताओं के बल पे और जनता ने जो अर्जुन राम जी पे विश्वास जिताया, चौथी बार इनको जीत दिलाई है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। साहब मैं आप सब बहुत बहुत बधाई दूँ, बहुत अच्छी जीत हुई है, आज जीत आप लोगों की है, बहुत अच्छे मंत्री पद ले से और आपने बीकानेर को विकास कर दिया।
आज लफा सिंह घने अरेकर कोट की बात है कि अपर बीकानेर में अर्जुन राम जी ने माध्यम से चौको लगे है अपर उस चौके की बात करता है चौको मैं समझू आप बीकानेर में जिनकी जीत हुई है बहुत ही ऐतिहासिक जीत है फाइनल में कह सका कि अपर संभाग में एक बात तो जीत कोई निकली है तो बीकानेर साथ ही जीत री शुभकामना देवन वास्ते जेठानंद जी व्यास विधायक बीकानेर पश्चिम सु और लुणकन से सुमित गोदारा है जी का भी पहुंच चुके हैं है। राम राम जी मैं महादेव और थे देख रहे झल को बीकानेर तो अर्जुन रामजी जी को जीत रो जसन चाल हो वो विधान दिखाए और महाराज जी को घर पर मारा स्वागत है और पैसे से विधान दिखाए और बीजेपी की बात करें तो बीकानेर या बीजेपी की सीट ही 61,000 वोटर करीब जीत हासिल करी। राम राम जी मैं महादेव थे देख रहा झल को बीकानेर अगर थे झल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब साइड बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करो सागे सागे आपको फेसबुक पर पेज फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।